बदमाशों के हौसले बुलंद, दुकान से घर लौट रहे युवक को बदमाशों ने चाकू से गोदा। मृतक हजरतपुर में वेल्डिंग और खारत की दुकान पर काम करता था। रात्रि में घर जाते समय दिया गया घटना को अंजाम। रोड पर बाइक आते देख युवक को घायल अवस्था में छोड़कर भागे बदमाश। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन, परिजनों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। डॉक्टर ने घायल की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल किया रेफर। दातागंज से बदायूं ले जाते समय घायल ने रास्ते में तोड़ा दम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मृतक की इंस्टाग्राम आईडी से मिले कई सबूत, जांच में जुटी पुलिस। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ के समीप दिया गया घटना को अंजाम। तेरे संग हो कोई? किन्ने मारू तेल दो जने मोटरसाइकिल से काय से पैदल जानतो है तू कहाँ गए? ना जानतो है, मोटरसाइकिल से ना आए वे? अच्छा तेरे संग तो ना आए, घून से लग के कहूँ तो पहचान ना पाओ तू? चाकू लगा यार, चाकू लगो जो है चाकू मारो। और कहूँ मारो है? पेट में तो ना मारो है, पेट में मारो है। पीछे पीछे लगे आए तेरे पुल से, काय से आओ तू? पैदल आ रहा हो, उतरो कहाँ? यही उतरो। तब टेम्पो में कौन कौन हो तेरे संग? टेम्पो जाओ, काय से आओ? पानी ला, तू तेल दाओ काय से? तू टेम्पो से उतरो, काय से उतरो? मोटरसाइकिल किन की? डॉक्टर भाई ढार पर मारे थी है वो डॉक्टर? आराम से वो डॉक्टर आओ, तू मुसलमान बाप वो बाप है माँ को नंबर कहाँ है बाप? मोबाइल है तू पे? मोबाइल छीन लियो भाई, लियो कौन लियो? हाँ मारो आप, मुझे मारो, मोबाइल को दिखाओ, प्लेट दिखाओ मुझे, प्लेट दिखाओ मुझे, प्लेट दिखाओ मुझे, प्लेट दिखाओ मुझे, नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट दिखाओ। बेकार की जिद कर, बेकार की जिद आप कर रहे हो, बेकार की जिद। मारोगे मारो मुझे, मेरा भाई चला गया है। ये क्यों मार रहे हैं? हाँ तो क्यों बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? आप जबरदस्ती कर रहे हैं सब लोग, आप सब लोग जबरदस्ती कर रहे हैं सब लोग, टोटल कितने लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? ये बीच में ये कौन सा गाँव है? एक मिनट रुको, यहाँ पीएम होगा हमारा। हमारा मतलब हमारे भैया, ये कौन सा गांव है? बराई जावरा। और हम भैया बिहारीपुर से आए हैं, हमारा पोस्टमार्टम भरा जा रहा है, ये पुलिस वाले सारे जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, हम उससे साइन करवा रहे हैं। करवाओ, कौन लेके जाएगा बॉडी? लेके जाओ आप। सुनो, मैं मिला था तुम्हें सबसे पहले। हाँ मिले थे आप, आपने सही बात करी। सुनो, आपकी बात सहमत है, आप सहमत हो? सहमत है। अब मेरी सुन लो। हाँ, कुछ चीजें डॉक्टरी में ऐसी होती है जो समय के साथ में नष्ट हो जाएंगे। भैया तो सुबह ही तो होगा पोस्टमार्टम। सुनो मेरी बात, पोस्टमार्टम सुबह नहीं होगा, मेरी सुनो। अरे मुझे मत बताओ, अभी 8 दिन हुए हैं, मैंने एक पीएम करवाया बनाया। मेरी भी सुन ले, डॉक्टर 12 बजे से पहले नहीं बैठेगा। मेरी सुन, बताओ बताओ, बैठो आप, सुन लोगे मेरी बात? बताओ, ये नुकसान हमारा और तुम्हारा होगा, इसमें फायदा खाली जिसने कर दिया उसका होगा, जो आप कर रहे हो। गाँव में ही आएगी बॉडी डॉक्टरी के बाद में, सुबह तो बॉडी तुम्हारे पास में पहुँच जाएगी। सुनो मेरी बात, पहुँच जाएगी तब भी तो तुम्हारे पास ही आएगी बॉडी यार। वो तो बात सही है, वो फायदा तुम मर्डरर का करा लोगे। नहीं, 5 मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता। अरे 5 मिनट में मेरे भाई, जो हमारा काम है वो तो करा दो। 5 मिनट का अगर समय, सुनो डॉक्टरी हो जाएगी, हमको पता लग जाएगा क्या क्या घाव कहाँ कराओ। जब जबरदस्ती कौन कराएगा मुझसे? आप उनका नुकसान करा लोगे, हमारा और आपका। मैं बता रहा हूँ, और वो बोल रहे थे, वो हम देखेंगे वो कौन बोल रहा था ज्यादा। सुबह नहीं होगा भैया, अभी एक टाइम बात ये नहीं बेटा, इधर से उधर नहीं ले जा सकता। हेलो, सिस्टम से हम बात कर रहे हैं हम, आप जी भावना से समय, आप भावना भावात्मक है। हम समस्या सर ये है कि बॉडी मैं घर पे लेके जा रहा हूँ, वो तो बात सही है आपकी, मैं मान रहा हूँ, सहमत हूँ आपकी बात से, बट पोस्टमार्टम तो सुबह ही होना है, अभी तो हो नहीं जाएगा।
पंचायतनामा में मैंने कोई साइन ही ना करा है ना जबरदस्ती करवा रहा है मुझसे मेरे, मैंने ऐसा है मैंने कोई कागजी कार्रवाई फिलहाल तो करी ना है। मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ और मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे मेरे घर पे करिए आके पोस्टमार्टम जो भी कुछ है पीएम। थाना दातागंज के अंतर्गत ग्राम बिहारीपुर के रहने वाले अभिषेक शर्मा जिनकी उम्र 19-20 साल के आसपास है, ये कल बीती रात को अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कुछ अज्ञात हमलावरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, चाकू से हमला कर दिया, जिसपे तत्काल इन्हें नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।